हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो की शुरुआत ना भाई थोड़ा सीरियस हो रहा है यार, देखो, क्योंकि विवेक बिंद्रा ये साला पागल हो चुका है, ठीक है। अपना ये पूरा पागल हो चुका है, जब से इसका संदीप महेश्वरी के साथ मैटर हुआ ना, इसका दिमाग सही से काम करना बंद हो गया। बंदे ने मात्र शादी के 12 से 13 दिन बाद, ठीक है, विवेक बिंद्रा भी हाल ही में शादी किया था दिसंबर में, इतने दिन बाद ही अपनी औरत को फिजिकली असॉल्ट कर दिया भाई। फिजिकली बहुत मतलब मारा वारा ये वो, यहाँ तक कि बस मारा ही नहीं बल्कि इतना मारा कि उसको एक कान से ना सुनाई देना बंद हो गया। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले। दस दिन में MBA कराते हो ना, 10 दिन थोड़ा खुद पे भी काम कर ले, बुद्धि अब तेरा सही जगह नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते ना तू पागल हो गया। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम किसके साइड हो, संदीप महेश्वरी या विवेक बिंद्रा। तो देखो भाई, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है, कोर्सेस बेचना गलत नहीं है, ठीक। विवेक बिंद्रा कोर्स बेचता है, कोर्स बेचना गलत नहीं है, लेकिन कोर्स में दम होना चाहिए। चलो फिर भी मान लिया कि चलो कोर्स में दम नहीं है, मैंने कोर्स बेच दिया, ठीक है, सामने वाला खरीदा, तो यहाँ तक उसकी गलती है, ठीक है, तुमने क्यों खरीदा अगर कोर्स में दम नहीं है। तो गलती यहाँ से शुरू होती है कि जिस कोर्स में दम नहीं है ना, पैसा कमाने के लिए सामने वाले को तुम बोल रहे हो कि जिस कोर्स में दम नहीं है अब तुम उसी कोर्स को आगे बेचो, ठीक है। जैसे तुम बेवकूफ़ बने वैसे आगे वालों को भी बनाओ, यहाँ गलती है भाई। खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हो, आगे भी बना रहे हो, खुद भी गाली दोगे और आगे से गाली सुनोगे भी। ये जो तू कह रहा था ना कि एक हफ्ते में मैं देख तेरा क्या करता हूँ संदीप महेश्वरी ये वो, और एक हफ्ते से पहले ही ना भाई तेरा ही ऐसा मैटर आ गया। क्या मतलब कल से विवेक बिंद्रा के चैनल पे आएगा हाउ टू बीट योर वाइफ इन 10 डेज फुल कोर्स। खैर मजाक की बात मजाक तक ही, यह सब अच्छा नहीं होता, मैं खुद सपोर्ट नहीं करता हूँ यह सब चीज़ों को। खैर बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अभी यहाँ पे रिलीज हुआ है 2 फिल्म, ठीक है, जो भी इतना लोग हाइप बना रहे थे ना कि सलार बेटर है, डंकी बेटर है, प्रभास बेटर है कि शाहरुख खान बेटर है, इसका रिजल्ट फर्स्ट डे पे आ गया है भाई, ठीक है, अभी फर्स्ट डे का रिजल्ट है, ये फुल फाइनल नहीं है। अभी पहला दिन का बताता हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सलार ने भाई 95 करोड़ सिर्फ इंडिया में कमाया है, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ पहले दिन में। और रहा बात हमारे शाहरुख भाई के डंकी का, 58 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ये कम नहीं है पर प्रभास से तो कम है भाई। और इस डेटा को देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, खैर IPL आ रहा है और भाई हमारे पांड्या भाई को कैप्टन बना दिया गया है। पर वहीं पे एक और न्यूज़ आ रहा है यार कि पांड्या भाई को 2024 IPL से हटाया भी जा सकता है। और IPL की बात कर ही रहे हैं तो एक बार फिर से बात करते हैं हमारे धोनी के बारे में। सो जब भी IPL होता है तो हर बार एक ही चीज सबसे हॉट टॉपिक रहता है कि क्या ये IPL MS धोनी का आखिरी IPL होगा। वेल, ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कंफर्म होगा तो पता लगेगा फ्लाइंग बीस्ट फिर निकल गया, देश का धोनी बन जाएगा, फिर पूरे इंडिया में साइकिल चलाएगा, यहाँ वहाँ आएगा तो पता लगेगा धोनी सीजन रिटायर नहीं ले रहा है। भाई मेरे को ना ये चीज़ समझ ही में नहीं आता कि धोनी रिटायर ले रहा है तो तू साइकिल क्यों चला रहा है यार, क्या हो रहा है तेरे साइकिल चलाने से। पर धोनी ने इस सीज़न कहा है कि इस साल के IPL के बाद या फिर मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा उसके बाद मैं थोड़ा सा और टाइम बिताना चाहूँगा आर्मी के साथ। खैर इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आज थोड़ा घूमने चला गया था इसलिए समय नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, तो मन से नहीं बना पाया आज। वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना यार। तन्ना भी नारे नारे बना।